हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि गेट में आता है, एसएससी में आता है, ईएससी में आता है, जीपीएससी में आता है, जेई में आता है, एमपीएससी और एनी अदर स्टेट एग्जाम में आता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हम क्यूए, हम क्या कहते हैं उसको, क्यूए जनरली बोलते हैं। वो क्यूए हम सबको पता ही है कि इंटरव्यू में भी आता है, तो क्यूए इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड गेट में बहुत ही अहमपी है। मैं एक सोटेक्स बताऊंगा यहाँ पे, जो गेट 2021-22 जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सब जो जीपीएससी एमपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा इसकी शॉर्ट ट्रिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में एक टॉपिक आता है जो हेड और टेल के बारे में पूछता है। हेड और टेल यानी कि हम उसको कॉइन बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। कॉइन बेस्ड क्वेश्चन, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन में क्या आता है, तो कि हेड है कि नहीं, टेल है कि नहीं, हाउ मेनी हेड, हाउ मेनी टेल, वो सब बताना पड़ता है हमको। एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन हेड, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है। पहले बताऊंगा आपको कि हाउ टू सोल्व, फिर मैं आपको उसका क्वेश्चन दूंगा और उस इस तरीके से मैं आपको सोल्यूशन करके दूंगा। दोस्तों, मेरे सभी तरीके है वो आप सबके लिए है, लेकिन हमारा मेन एम क्या है कि टाइम हम मिनिमम लगाए, टाइम मिनिमम लगाए। टाइम मिनिमम लगाने के लिए 15 से 20 सेकंड में एक क्वेश्चन गेट में, एसएससी जेई में, या फिर कोई भी गेट की लेवल की एग्जाम हो जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता हो, उसमें से हम सॉल्व कर पाए। तो हाउ टू सॉल्व का आंसर है यहाँ पे, सॉल्व बाय थ्री मेथड। आप सबको पता ही है कि थ्री मीन्स, आप सबको क्या पता, वो पेड़, पेड़ आपको पता ही है कि एक के बाद आता है वो थ्री। तो मैं आपको बताऊंगा फोर, टू कॉइंस, थ्री कॉइंस, फोर कॉइंस और इनफाइनाइट कॉइंस। आप जो जितने भी कॉइन लो उस सब में ये थ्री वाली मेथड आप लगा सकते हो। तो मैंने पहले लिया टू कॉइंस वाली मेथड। तो पहले कॉइंस के लिए हेड और टेल यहाँ पे आपको एक कॉइन के लिए लिखना है, दूसरे कॉइन के लिए यहाँ पे आपको हेड में से दो निकालने हैं, हेड टेल, टेल में से दो निकालने हैं, हेड और टेल। आप सबने देख लिया होगा ये सब, हेड में से दो, हेड और टेल, टेल में से दो, हेड और टेल, ये सब हो जाए। फिर हमको क्या करना है, फिर एच 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 टी एच टी टी एच टी एच टी टी ये सब करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने आएगी, चार आएगी, एच 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 टी टी एच और टी टी। प्रोबेबिलिटी मीन्स नंबर ऑफ स्पेस, कितने आएगी, फोर आ जाएगी। आप सबका पता ही है कि आप दूसरे मेथड से सॉल्व करते हो। हम लोग क्या करते हैं, टाइम कंज्यूमिंग कर रहे हैं। यानी कि ये देखो, आप यहाँ पे पहले एच लिखोगे, एच टी लिखोगे, टी एच लिखोगे, एच एच लिखोगे, या फिर टी टी लिखोगे, तो उसमें कन्फ्यूजन होगा। तो ये हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें दो से तीन मिनट जा सकते हैं हमारी सब। जब दो कॉइन का प्रॉब्लम आता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब थ्री फोर फाइव कॉइन का प्रॉब्लम आता है तब हमें परेशान करता है ये। तो क्या करना है, एच 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 टी टी एच टी टी, इतना आसान कर दिया मैंने आपको, सिर्फ 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करने का। तो हमें क्या करना है, थ्री मेथड यूज करना है। अब मैं बताऊंगा आपको थ्री कॉइन वाली मेथड। थ्री कॉइन में क्या करने का है, हमको थ्री कॉइन लेने का है। पहले हमको एच टी लेने का, ये वन कॉइन हो गया, उसमें से एच टी निकालना है, ये दूसरा कॉइन हो गया, और उसमें से एच टी एच टी एच टी एच टी निकालना है, ये तीसरा कॉइन हो गया। आप सब ध्यान से सुनिए, थ्री कॉइन में क्या होता है, पहले हम एच टी यहाँ की तरह ही लेंगे, यहाँ पर यहाँ की तरह एच टी, ये दोनों हो गए, ये पहला कॉइन हमारा। दूसरा कॉइन में क्या किया था, एच टी निकाला था, दूसरे कॉइन में भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, एच टी निकालेंगे। तीसरे कॉइन में क्या करने का, ये जो एच टी चार आए हैं उसमें भी हम एच टी एच टी एच टी एच टी निकालेंगे। टोटल थ्री कॉइन हो गए। तो अब देखो कैसे करने का, एच 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 टी एच 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 टी एच टी टी एच टी टी एच टी एच एच टी एच टी एच एच टी एच टी टी एच एच टी एच टी 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 एच टी टी एच टी 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 टी। आप सबने देख लिया कि कैसे करने का है, थ्री मेथड में यही करने का, एच 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 टी एच, सेम इससे पहले जाने का, फिर यहाँ से ऐसे जाने का।
ऐसे जाने का, फिर यहाँ से ऐसे जाने का, ऐसा का पता चल जाएगा। अगर हम दूसरे को मतलब से पढ़ते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि एच एच टी एच टी 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 एच एच, तो कौन सारे कन्फ्यूजन हो गए उसमें। कन्फ्यूजन के अलावा भी अगर आपका माइंड बहुत ही शार्प है तो भी आप उसमें से 15 से 20 सेकंड में नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, ये करना है 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करना है। तो इसके लिए 3 मेथड है दोस्तों। क्यू ए एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर माइंड भी यूज करना है और टाइम भी बचाना है। गेट जैसे एग्जाम में क्वांटिटी अपटू 10 से 15 मार्क का आता है, तो 15 में से हम गेट में से 12 और 13 लाए क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, तो अच्छी बात है। मेरे मैथ्स के वीडियो भी है, मेरे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल के वीडियो भी आएंगे बाद में। आप लगाए रहिए मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये मेथड 2 मेथड को याद रखिए दोस्तों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। देखो यहाँ पे हम बताया था ऐसे ही 8 हो गए, 2 4 2 8 हो गए, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी 8 है। अब हम बताएंगे आपको 3 कॉइन वाली मेथड, तो दिखा दिए आपको, तो बताएंगे 4 कॉइन वाली मेथड।